भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला गयाना के प्रोविडेंस स्टेडियम पर बारिश की वजह से पूरा नहीं खेला जा सका। बारिश की 8 मिचौली के बीच इस मैच को आखिरकार रद्द कर दिया गया। इस मैच में टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज की टीम ने 13वें ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 54 रन बनाए। इस मैच में खास बात ये रही कि वेस्टइंडीज के तूफानी बल्लेबाज क्रिस गेल, जिस पर सबकी नजर रहती है, वे रनों के लिए जूझते हुए नजर आए और अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मात्र 31 गेंदों पर वे सिर्फ 4 ही रन बना पाए और आखिर में वे कुलदीप यादव की गेंद पर बोल्ड हो गए। तो जिस तरह से गेल के फैंस उनसे ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की उम्मीद कर रहे थे, वहीं उन्होंने अपने प्रशंसकों को निराश किया। हालांकि अब देखना होगा अगले मैच में क्या क्रिस गेल का जल्द देखने को मिलेगा या फिर अगले मैच में उनकी टीम से छुट्टी हो जाएगी। आपको क्या लगता है, आप भी इस खबर पर अपनी राय रखिएगा। साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस स्पोर्ट्स को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।